Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिसाल जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी 2019 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सभी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया या कहाँ शुरू हुआ? तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस शुरू हुआ है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में, यूपी में। ये वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर 15वां प्रवासी भारतीय दिवस शुरू हुआ है और ये शुरू हुआ है 21 जनवरी से। 21 जनवरी से लेकर के ये 23 जनवरी तक चलेगा, यानी कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा। इमेज में जैसा कि आपको दिख रहा है तो वाराणसी में ये शुरू हुआ है, ओके। और इसकी थीम रखी गई है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, ठीक है। तो ये है इसकी थीम, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। और इसके चीफ गेस्ट होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगनौत। कौन है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जुगनौत जो हैं वो होंगे चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। अब ये यूपी में हुआ है तो एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा कि इसी के साथ ही युवा प्रवासी भारतीय दिवस और उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया, उसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। क्या? उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस का भी उद्घाटन किया गया इसी दिन, इसी के साथ ही, ठीक है। वाराणसी में हुआ है इसका आयोजन। आपको पता होगा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसके उपलक्ष्य में 21 जनवरी को एक कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और कहाँ पर हुआ? वाराणसी में। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? ये कि 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे इंडिया, तो इस वजह से मनाया जाता है उनके सम्मान में, उनकी याद में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर है? तो अब वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानेंगे। तो इमेज में देखिए, मैप में आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के करंट टाइम पर गवर्नर हैं राम नाइक। और उत्तर प्रदेश के अगर हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ का हाईकोर्ट पड़ता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर और योगी आदित्यनाथ हैं बीजेपी के। क्लियर है? इतना आपको यूपी से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में WEF की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो इसकी वार्षिक बैठक शुरू हुई है स्विट्जरलैंड के दावोस में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है इसकी वार्षिक बैठक, ओके। और ये 5 दिनों की बैठक होगी। कितने दिनों की? 5 दिनों की बैठक होगी। इसका थीम रखा गया है ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबा है थीम इसकी, नोट कर लीजिए आप लोग। ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें कई देशों के बड़े बड़े नेता, लीडर्स और CEO वगैरह कंपनीज के शामिल होंगे, जैसे कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, जापान के PM शिंजो आबे हो गए, इटली के ग्यूसेप कोंटे हो गए, इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू हो गए। तो ये सभी इसमें, इस मीटिंग में शामिल होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे, ठीक है। ये एनुअल मीटिंग होती है, वार्षिक बैठक होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, यानी कि WEF की। तो अब WEF आया है फिर से, तो हम लोग इसके बारे में फिर से बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में हुई थी इसकी स्थापना। इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं क्लाउस स्वाब। कौन है? क्लाउस स्वाब हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष और वही हैं इसके संस्थापक। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है WEF का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WEF का मुख्यालय। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी मिली? तो अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के CEO और MD बने हैं वी वैद्यनाथ। इनकी नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है RBI द्वारा। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। इनको 3 वर्षों के लिए CEO और MD के रूप में कार्य करने के लिए मंजूरी मिल गई है। ये IDFC फर्स्ट बैंक के होंगे CEO और MD।
आपको पता होगा IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में भी मैंने आपको बताया है दिसंबर के मंथ की वीडियो में भी और दिसंबर के डेली करंट अफेयर की वीडियो में भी कि IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का विलय हुआ था। किसका किसका? IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक का विलय हुआ था। और कब हुआ था? दिसंबर 2018 में, ठीक है, यानी कि पिछले मंथ हुआ था इसका विलय। तो विलय हो गया था तो इसके CEO और MD निर्धारित किए जाने थे, तो वो बनेंगे वी वैद्यनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सिंगापुर में ITF का टूर्नामेंट जीता? तो अभी हाल ही में सिंगापुर में ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का टूर्नामेंट जीता है अंकिता रैना ने। ये है भारत की, ठीक है, भारत की अंकिता रैना ने ITF का टूर्नामेंट जीता है सिंगापुर में, ओके। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया है नीदरलैंड की रान टक्सा रस को 6-3, 6-2 से, ठीक है। तो ये हैं भारत की टेनिस खिलाड़ी, इमेज में जो दिख रही हैं यही हैं अंकिता रैना, और इन्होंने सिंगापुर में ITF का टूर्नामेंट जीता है और इसमें $25,000 की राशि थी, ठीक है, $25,000 का ये महिला टूर्नामेंट था, वुमेंस टूर्नामेंट था, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष मसाजो नोनका का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? जापान के थे, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मसाजो नोनका ये सबसे बुजुर्ग पुरुष थे दुनिया के और 113 वर्ष की आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अप्रैल 2018 में इन्हें दुनिया के सबसे बुजुर्ग पुरुष के रूप में पहचान मिली थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया था। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही थे मसाजो नोनका, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 113 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब ये थे जापान के, तो हम लोग जापान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, टोक्यो में होना है 2020 का ओलंपिक खेल, ठीक है, 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम होगा जापान के टोक्यो में। और जापान के PM है शिंजो अबे, जापान की मुद्रा होती है येन, जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है, इतना आपको जापान से पता होना चाहिए। जैसे ही कोई क्वेश्चन आए आप लोग लिंक जरूर किया करो, आप लोग एक करंट अफेयर के क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, कोशिश जरूर किया करो, ठीक है। नेक्स्ट है, जापान भारत सहकारी अधिनियम ने भारत के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जापान भारत सहकारी अधिनियम ने अभी हाल ही में भारत के लिए 2 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने पर? 2 पर। एक है चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के लिए जो कि फर्स्ट स्टेज का निर्माण होगा जिसमें, और दूसरा किया गया है भारत सतत विकास लक्ष्यों के लिए, भारत के सतत विकास यानी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लक्ष्यों को, टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए दूसरे ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। तो कुल 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और किसने किए हैं? जापान भारत सहकारी अधिनियम ने, यानी कि जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्ट है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं JICA, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, JICA का फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्ट, ओके, क्लियर है। अब जापान के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है तो इस वजह से हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नेपाल और भूटान जाने वाले कितने साल से कम उम्र के भारतीयों के लिए आधार वैध किया गया? तो अभी हाल ही में नेपाल और भूटान जाने वाले 15 ईयर से कम जो व्यक्ति होंगे, 15 साल से छोटे होंगे, उनके लिए आधार कार्ड को वैलिड माना जाएगा, ठीक है, यानी कि आधार कार्ड से वो लोग देश की सीमा को पार कर सकते हैं, नेपाल और भूटान जा सकते हैं। तो एक तो ये 15 ईयर से जो छोटे हैं व्यक्ति हैं उनके लिए है, और इसके साथ ही जो लोग 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके लिए भी ये नियम लागू है। ध्यान रखिएगा 15 ईयर से कम उम्र के और 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो भी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, वो नेपाल और भूटान देश की यात्रा के लिए उनको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आधार कार्ड की मदद से ये लोग जा सकते हैं इन दोनों देशों में, ठीक है। आपको पता होगा कि नेपाल और भूटान जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास भारत सरकार द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई भी फोटो आईडी है या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा जो वोटर आईडी मिलती है वो भी अगर है तो आप लोग नेपाल और भूटान की यात्रा कर सकते हैं, इसके लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अब 15 ईयर से जो छोटे उम्र के हैं और जो 65 ईयर से अधिक उम्र के हैं, 65+ हैं, वो लोग केवल आधार कार्ड से भी जा सकते हैं इन दोनों देशों में। अब नेपाल और भूटान आया है तो हम लोग नेपाल और भूटान के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू, नेपाल की मुद्रा होती है नेपाली रुपया, और नेपाल के संसद का नाम होता है राष्ट्रीय पंचायत। यहाँ के करंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के करंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, ठीक है। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान की राजधानी होती है थिम्पू और भूटान की मुद्रा होती है गुलट्रुम। क्या होती है? नुगुलट्रुम होती है यहाँ की मुद्रा। संसद का नाम है तोंगसुड़ू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर वांगचुक और यहाँ के करंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। कौन है? लोटे शेरिंग है यहाँ के करंट टाइम पर प्रधानमंत्री, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है स्वीडन के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो स्वीडन एक देश है, यहाँ के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं स्टीफन लोफवेन। कौन? स्टीफन लोफवेन। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं स्टीफन लोफवेन, और ये एक बार फिर से यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ये अब रहेंगे 4 वर्षों तक। अगले 4 वर्षों तक दोबारा इनका कार्यकाल रहेगा। ओके, यहाँ की संसद में इनकी वोटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने जीत दर्ज की है। अब स्वीडन आया है तो हम लोग स्वीडन के बारे में भी जान लेते हैं। स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम, स्वीडन की मुद्रा होती है स्वीडिश क्रोना। ओके, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? स्टीफन लोफवेन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस सांसद को संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अनुराग ठाकुर जो कि हैं हिमाचल प्रदेश के सांसद, तो इनको संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये ज्यूरी कमेटी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ज्यूरी कमेटी का ये स्पेशल अवार्ड होता है, तो ज्यूरी कमेटी द्वारा इन्हें संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान से सम्मानित करने वाले ये बीजेपी के, किस पार्टी के? बीजेपी के ये पहले सांसद हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग संसद रत्न सम्मान की। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2010 में। कब हुई थी? सन 2010 में हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी संसद रत्न सम्मान की। जो सांसद होते हैं उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये दिया जाता है। क्लियर है? तो बस दोस्तों, आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें पहला था महारत्न कंपनी BHEL के वर्तमान निदेशक कौन है। तो BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये जितने भी नाम मैंने ऑप्शंस में दिए हैं ये सभी किसी न किसी महारत्न कंपनी के निदेशकों के नाम हैं, डायरेक्टर्स के नाम हैं। तो लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोगों ने लिखा है, मैंने कहा था आपसे लिखने के लिए। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। अनिल कुमार चौधरी जो हैं ये हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष निदेशक। ठीक है, सेल के निदेशक। और प्रवीण अग्रवाल के बारे में मैंने बता ही दिया, BHEL के। और शशि शंकर जो हैं ये हैं ONGC के। कहाँ के? ONGC के ये निदेशक हैं। और बात करें संजीव सिंह की, तो संजीव सिंह जो हैं ये IOCL के हैं। किसके? IOCL के हैं ये करेंट टाइम पर निदेशक। तो ये आपको लिखना था इन चारों के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों ने लिखा। नेक्स्ट था जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये थे लास्ट डे के क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है HDFC बैंक के MD और CEO कौन है। तो ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ढूंढ करके। और HDFC बैंक से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन पता हो, याद हो, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है लास्ट डे की, तो उसके बारे में आप लोग जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जो भी बताओ आप लोग जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी हिट कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।